आस्था के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, रामलला मंदिर में विराजमान हैं। पीएम मोदी ने कहा, लोग अपने घरों में दीप जलाएं, जय सियाराम। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर आह्वान किया है देशवासियों से कि हर कोई दीप जलाए इस खास मौके पर, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने कुछ इसी तरह स्वागत किया था, और एक बार फिर जब 500 साल बाद अपने सही स्थान पर रामलला विराजे हैं, तो प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि हर कोई एक दिया श्री राम के नाम करे और हर कोई दीप जलाए इस दिन। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीर, साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रधानमंत्री ने रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़कर श्री राम को नमन किया, श्री राम की पूजा की उन्होंने, और अयोध्या में एक तरफ दीपोत्सव और दूसरी तरफ आपको प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये नजारा है, काफी दिव्य और भव्य ये पल जब श्री राम का ये मंदिर, राम मंदिर चमक रहा है। राम मंदिर के चारों ओर आप देखिए कितने खूबसूरती से सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लाइट जगमगा रहा है ये राम मंदिर, और कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं श्री राम की एक झलक के लिए, रामलला के दर्शन के लिए। कई वीआईपी हस्ती इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं जो आतुर है श्री रामलला के दर्शन के लिए। देखिए ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जगमग होती अयोध्या की तस्वीर, सरयू तट की ये तस्वीर, काफी खूबसूरत ये नजारा और काफी ज्यादा दिल को छू लेने वाला ये पल, जैसा मानो वाकई में श्री राम यहाँ पर मौजूद हैं और इसका जश्न और इसका आनंद हर कोई ले रहा है। श्री रामलला विराजे हैं अपने सही स्थान पर, और देखिए काफी ज्यादा खुशी है, रौनक है अयोध्या से। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या में दीपोत्सव की ये तस्वीर आप देखिए, जगमगा रहा है पूरा सरयू घाट, क्या अयोध्या, क्या हरिद्वार और क्या जनकपुर, हर तरफ सिर्फ एक ही नजारा दीपोत्सव का, और ये खुशी और ये ऐतिहासिक क्षण जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। टेलीविजन स्क्रीन से निगाहें नहीं हट रही हैं, बहुत ही खूबसूरत ये पल, खूबसूरत ये दृश्य, अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय ये पल, जहां आप देखिए श्री राम लिखा गया है, सिया के राम कहीं पर लिखा गया है, कहीं सीता राम लिखा गया है तो कहीं जय श्री राम लिखा गया है, और इसी तरह दीप जलाए जा रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं को अलविदा कहने की बारी, और जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं अब वो जो है पधार रही हैं, उन्हें आमंत्रण दिया जा रहा है, क्योंकि जब रामलला 14 साल बाद वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो इसी तरह अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि लोग अपने घरों में दीप जलाएं। बात पित कफ